आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी ट्रेन कांड के बलिदानियों की याद में सोमवार को गोरखपुर में सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया। गोरखपुर में आज 750 ड्रोन आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी के बलिदानियों को नमन किया। आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़े जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अशफाकउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रख करके फांसी की सजा दी गई थी। और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वह कहता है जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे। और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्रनाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपनी शहादत को, अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का एक सीधे सीधे गवाह रहा है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफा उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।